हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज है अभी दोपहर का टाइम और अभी मैं अपने टीटू को खिलाने जा रही हूँ खाना। मैंने आप लोगों से टीटू को मिलाया नहीं, खिलाती हूँ। तो ये है हमारा प्यारा सा टीटू और इसको मैंने अभी इस वाले बॉक्स में रखा है। वैसे अदरवाइज इस बड़े वाले बॉक्स में रहता है। अभी मैं इसे खाना खिलाने के लिए लाई हूँ तो इसलिए मैंने इसे छोटे वाले बॉक्स में रखा है। इसे ईजिली यहाँ से खाना खिला देती हूँ। और अभी देखो ये खाना खाने के लिए कैसे कर रहा है। देखो इसे भूख लगी है और इधर ये खाना इसका तैयार रखा है। ये है चने की दाल। और चने की दाल कैसे बनाते हैं, कैसे खिलानी है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप चने की दाल को 2 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। जब ये 2 घंटे भीग जाए फिर आप इसको बॉयल कर लीजिए। ये देखो यहाँ पे ये बॉयल हो रही है। एक्चुअली मैंने इसे 2 घंटे भिगो दिया था। उसके बाद इसे मैं आराम से आप फ्राई पैन में बॉयल कर लीजिए ढक के, और विद इन 15 मिनट्स में बॉयल हो जाती है। और इधर हमारा ये टीटू देखो मैं इसे खिला रही हूँ, खा रहा है। और इसे चने की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है तो कितने उससे खा रहा है। ये देखो रुकने को नहीं है, तैयार नहीं है इसे देखो। और बस अब मैं इसे ये खिलाऊंगी। और इसे आपको ज़्यादा नहीं खिलाना है, मुश्किल से आपको इसको 20 से 25 दाने ही देने हैं, वो भी पानी के साथ, क्योंकि अभी बेबी है तो ये एक्चुअली उबली हुई दाल डायरेक्ट निकल नहीं पाएगा तो उसमें गले में फंसने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसको जो आप दाल बॉईल करो उसका तो पानी रहता है ना, उसी के साथ एक एक दाना थोड़े से पानी के साथ आप इसको दो तो ये इजीली खा लेगा। और यहाँ मुझे वीडियो म्यूट करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि इधर छत पर पता नहीं काम चल रहा है कुछ सोसाइटी में, तो इतना वॉइस आ रहा है आप देख ही रहे हैं आगे, जो मैंने म्यूट नहीं किया है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और इधर ये टीटू अपना खाना खा रहा है आराम से, उसे खिला रही हूँ। और क्या कहते हैं, मैं इसको खाने में सेरेलेक्स भी देती हूँ, चने की दाल देती हूँ। बस 2 ही चीज़ देती हूँ, सेरेलेक्स या चने की दाल। और चने की दाल ज़रूरी होती है और चने की दाल अच्छी रहती है, इससे ये लोग ग्रोथ जल्दी करते हैं। और सेरेलेक्स भी ठीक रहता है, वो डाइजेशन के लिए भी ठीक रहता है। तो अभी मैं इसे एक टाइम मैंने सुबह मॉर्निंग में से दिया था सेरेलेक्स, और अभी मैं दे रही हूँ इसे चने की दाल, और रात में भी इसे मैं चने की दाल ही दूंगी। वैसे तो ये आराम से इसमें कार्टून में बैठ के खाना खा लेता है, बट आज पता नहीं इसे क्या हो गया, हर एंगल से खिला के देख लिया इसे। और ये देखो बार बार चढ़ के डिब्बे के ऊपर आ जा रहा था तो डर लग रहा था कहीं बाहर निकल के इसे गिर ना जाए, तो इसलिए देखो फिर मैंने इसे अंदर किया है। देखो अभी अंदर किया है इसको, अब ये देखो यहाँ पे देखो फिर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इसे मैं खिला रही हूँ तो आज खिलाने ही नहीं दे रहा है। ये देखो फिर से बाहर आ गया, पूरा ऊपर चढ़ गया है क्योंकि कार्टून थोड़ा छोटा है इसीलिए। इधर देखो बाहर बैठा के अब मैं इसे खिला रही हूँ तो ये ठीक से खा रहा है, अदरवाइज़ आज तो डिब्बे में बैठ के, नहीं तो बहुत अच्छे से खा लेता। आज पता नहीं इसे क्या हो गया, आज लगता है इसे ज़्यादा भूख लगी है। और किस तरह से खा रहा हूँ, इधर मैं इसे खिला रही हूँ और ये देखो इनको खुद से खाना है। आज पता नहीं इसे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वैसे तो ये आराम से बैठ के खा लेता है, और क्या कहते हैं, आज तो ये खुद अपनी चोंच से पकड़ के कटोरी खींच रहा है, ऐसे जैसे लग रहा है ये खुद ही खाएगा। और इसको खुद खाना नहीं आता, स्पून से खिलाना पड़ता है। सेरेलेक्स जब मैं इसे देती हूँ तो इसे स्पून से नहीं देती, एक्चुअली इंजेक्शन से देती हूँ क्योंकि इसका मुँह वगैरह गंदा ना हो और ये गीला ना हो। अभी वैसे भी इसे गर्माहट देनी है और इसे क्या कहते हैं पानी वानी सबसे दूर रखना है। और ये आराम से बैठा हुआ है और ये देखो कटोरी पकड़ रहा है कि इसे मतलब खुद खाएगा ये। टीटू कम 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 टीटू कम, मम्मा के हैंडू पे आ जाओ। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम, हैंडू पे आओ, जल्दी आओ, हैंड्स पे आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ आओ यार। वैसे ही आ जाते हो क्यों, और जब मैं किसी के सामने कैमरे में बुलाऊं तो ये बिल्कुल नहीं आता है, बड़े चालू हो यार। तो अब ये बहुत छोटा है, इसको ज़्यादा अभी हाथ में लेना नहीं है। खाना खिला के मैं से इसके कार्टून में ही रख देती हूँ, बट अगर खाना खिला के डायरेक्ट मैं से कार्टून में रख दूँ तो चिल्लाता रहता है चिल्लाता रहता है। जब तक मैं से 1-2 मिनट खिला ना लूँ, तो खाना खिलाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ऐसे खिला लेती हूँ अपने हाथ पे, इस तरह हाथ पे नहीं लेती, मतलब इस तरह कार्टून पर रख के, तो ये फिर ये खेल के फिर आराम से सो जाता है। ये देखो जब मैं बुला रही थी तब नहीं आया और ये अपने आप आके मेरे हाथ पे बैठ गया है। तो टीटू खाना खा चुका है और खाना खाने के बाद मैंने उसको उसके डिब्बे में रख दिया। एक्चुअली इसे कार्टून के डिब्बे में इसलिए भी रखते हैं ताकि इसे थोड़ी गर्माहट मिले। अभी गर्मी वैसे भी है तो अभी थोड़ा से इसमें मतलब ऑलरेडी जितनी हीट इसे चाहिए मिल जाती है, क्योंकि जो कार्टून होते हैं गर्म होते हैं। बाकी इस कार्टून में कोई अलग से बल्ब वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये कार्टून ऑलरेडी गर्म होता है, और यहाँ गर्मी भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत गर्म पहले से ही रहता है।
और बस इसको मैंने खाना वगैरह खिला दिया था मेरे साथ खेल के, अब मैंने इसको फिर से कार्टून में रख दिया, अब ये आराम से अपना सोएगा। और ये देखो मैं कटोरी दिखा रही हूँ तो फिर से कटोरी पकड़ रहा है कि मुझे और खाना है, और इसे हमें दे नहीं सकते, इसे लिमिट में खाना देना होता है। और क्या कहते हैं, बस आज का ब्लॉग मैं अपने टीटू के साथ यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय टीटू।